हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरवी व्लॉग्स में। तो आज मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊंगा जो मैंने अपने छत में बना रखा है। तो इसमें मैंने कई चीज़ें जो हैं लगा रखी, इसमें सब्जियां भी हैं, कुछ फल के पेड़ भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने गमले में मिट्टी का गमला है, तो यहाँ पर मैंने बैंगन का पेड़ लगा रखा है, तो इसमें बैंगन भी आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बैंगन भी आ चुके हैं और भी कई छोटे छोटे बड़ हैं। पीछे की साइड भी यहाँ पर बैंगन है और इससे पहले भी कई बार बैंगन आ चुके हैं जिसकी मैं सब्जी यहाँ पे बना चुका हूँ। तो इस तरह का पेड़ आप छत में लगा सकते हो और इसमें जो है आप घर बैठे जो है यहाँ इसकी खेती कर सकते हो और इसके बाद इसे आप सब्जी में यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा होता है, अच्छी सब्जी इसकी बनती है और इसे आपको खाना चाहिए। और थोड़ा सा इधर हम जाएँगे तो ये जो है यहाँ भी जो है सीमेंट का गमला है और इसमें मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि चौलाई लगा रखी है। तो ये बेसिकली हरी सब्जी में आता है जो आपको आयरन देता है, तो इसको भी आप अपने घर के गमले में लगा सकते हो। बहुत अच्छी तरह से ये बढ़ता है और जब ये हो जाए, इसकी हाइट अच्छी हो जाए, तो आप इसकी जो है हरी सब्जी में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा होता है डाइट में, तो इसको आप ज़रूर लगाना। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आम का पेड़ लगा रखा है, तो ये पेड़ जो है मैंने गमले में लगा रखा है, तो इसमें जो छोटे छोटे आम आते हैं। तो फ़िलहाल ये नवम्बर का महीना है, तो जब मई जून आएगा तो इसमें जो है पेड़ में जो लगा हुआ है इसमें आम आते हैं। पिछले साल भी इसमें ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन 6-7 दाने जो हैं हो जाते हैं, तो असंभव कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गमले में इस आम के पेड़ को यहाँ पे लगा रखा है। चलिए कुछ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो है पूरी जो वाटिका जैसी बना रखी है, ये तुलसी की पौधा की है। तो ये सुबह अगर आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो उसमें काम आता है, आप प्रार्थना कर सकते हो। यहाँ भी आप देख सकते हैं मैं चौलाई लगा रखी है, हरी सब्जी है, ये बड़ी आसानी से आपके गमले में लग जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक टीन का जो है कंटर यूज़ किया है, इसमें मैंने इसको लगा रखा है। तो आप इसमें भी लगा सकते हो, ये नॉर्मल सीमेंट का या मिट्टी का गमला भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर नॉर्मल प्लांट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पाम ट्री है, ये थोड़ा सा महंगा आता है लेकिन घर में रखना शुभ होता है। ऊपर की साइड आप यहाँ पर देखोगे ये अमरूद का पेड़ है, तो फिलहाल इसमें अमरूद अभी नहीं आए, ये शायद गर्मी के मौसम में आते हैं और पिछले साल अच्छा फल इसमें आया था। तो ये भी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेरे छत में लगा रखा है। और यहाँ पे जो गमला मैं यूज़ किया है, एक पुराना ड्रम है, प्लास्टिक का ड्रम, इसमें मैंने लगा रखा है। तो आने वाले समय में जब ये टूट जाएगा तो इसकी जगह पर मैं सीमेंट वाला बड़ा गमला यूज़ करूँगा, इसमें मैं इसको बड़ी आसानी से लगा लूँगा। तो इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं फूलों के पेड़ है, तो ये सारे के सारे फूल के पेड़ है। और यहाँ पे जो है गुलाब का है, तो गुलाब तो आप जानते हैं कितना शुभ होता है। और पूजा पाठ अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो तो इसे आप लगा सकते हो, ताकि जब भी आप पूजा करो तो भगवान को आप इस फूल को अर्पित कर सकें। तो यहाँ भी एक नॉर्मल सा प्लांट है, ये कोई किसी चीज़ का प्लांट नहीं है, ये भी शो वाला प्लांट है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो सदाबहार का यहाँ पर मैंने प्लांट लगा रखा है। तो ये भी एक गुल्लड़ का जो पेड़ होता है, इसमें भी फूल आते हैं, तो ये गुल्लड़ का पेड़ है। यहाँ भी मैंने एक शो वाला जो है यहाँ पे पेड़ लगा रखा है। और ये तो आप जानती होंगे गेंदे का फूल है, तो दिवाली में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आप माला बनाते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा रखा है। तो फ़िलहाल इस साल इतना ज़्यादा इसमें नहीं आया फूल, और इसके चलते हमको जो है बाहर से फूल खरीदने पड़े थे दिवाली में। अगर इधर बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एलोवेरा लगा रखा है, तो ये एक आयुर्वेदिक प्लांट होता है, इसका जो जेल होता है कई चीज़ों में प्रयोग होता है। कहा जाता है इसका जेल को अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट खाते हो तो ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर आपका मजबूत करता है। और स्किन में अगर आप लगाते हो, आपकी स्किन के जो भी प्रॉब्लम होते हैं दूर हो जाते हैं, स्किन सॉफ्ट हो जाती है। बालों में लगाने से आपके जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो इसको आप गमले में ज़रूर लगाना, बड़ी आसानी से लग जाता है। और साथ ही साथ इसका आपको प्रयोग भी करना है। यहाँ पे लहसुन के पेड़ है, जो आप जाड़ों में इसको चटनी के तौर पे आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ये भी गमले में लग जाता है। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनार का पेड़ है, तो यहाँ पे अनार भी आप देख सकते हो लगे हुए हैं, ये देखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस गमले में अनार जो है लगे हुए हैं और साइज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये जो पेड़ है ज़्यादा पुराना नहीं है, 1 साल पुराना है। तो आप देख सकते हो इस गमले में ही, ये सीमेंट का गमला है और सीमेंट के गमले में बड़ी आसानी से अनार उग रहे, तो कुछ भी असंभव नहीं है।
अगर आप कुछ ही चीज़ को मेहनत करते हो, श्रद्धा से कोई चीज़ लगाते हो तो बड़ी आसानी से लग जाती है। थोड़ा सा लेफ्ट आएंगे, राइट आएंगे सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो नींबू का पेड़ मैंने लगा रखा है और अच्छे खासे इसमें फल आए, पूरा भरा पा रहा है पूरा फलों से। ये देखिए नींबू ही नींबू, ये देखिए कितने नींबू हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो है पेड़ लगा रखे, और ये भी शो वाला फूल है, इसे भी आप घर में लगा सकते हो, भगवान को अर्पित कर सकते हो फूल। इधर भी आप देख सकते हो मैंने वही फूल लगा रखे, यहाँ पे सदाबहार है और यहाँ पे चौलाई है और ये कुछ शो वाला पेड़ है। और ये गमला है, इस गमले में मैंने हरी धनिया लगा रखी, फ़िलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो हरी धनिया है और ये भी शो वाला पेड़ है। तो फिलहाल इसमें मैंने जो है जो क्या कहते हैं धनिया बो रखी है, तो फिलहाल अभी जैसे जाड़े आना शुरू होंगे तो धनिया जो है होना शुरू हो जाएगा, हरी धनिया आप देख भी सकते हैं, 2-3 पत्ते आने शुरू हो गए। तो कहने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि आप अपने छत में इस तरह का गार्डन बना सकते हो, और जो जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया ये सब आप अपने गमलों में लगा सकते हो, सब्जी लगा सकते हो, फल भी लगा सकते हो। जैसे कि इस वीडियो मैंने दिखाया कि मेरे जो गमले हैं उसमें बहुत से फल भी आ चुके हैं, कुछ सब्जियाँ भी मैंने उगा रखी। इससे पहले मैंने तुरई भी लगाई थी, करेला भी लगाया था और लौकी भी लगाई थी, तो फिलहाल इस बार वो पेड़ मैंने नहीं लगाए क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं ज़्यादा जो ज़मीन पर अगर आप लगाते हो तो ज़्यादा फल देते हैं। तो फिलहाल जो गमले में आप लगा सकते हो ये मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, ये आप भी लगा सकते हो और इसकी जो है आप यूज़ भी कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, और इससे आपकी जो छत है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।